बिहार में एमएलसी चुनाव की हलचल तेज हो गई है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्णिया के परमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि 13 मार्च तक चलेगी। 31 मार्च को वोटिंग होगी जबकि 5 अप्रैल को काउंटिंग की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्णिया सहित कोसी, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 14 जिले कोसी शिक्षक निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, जिसमें 17,623 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी जिला के जिलाधिकारी ARO बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो कार्यक्रम निर्गत किया गया है उसके अनुसार 6 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जो 13 मार्च को ख़त्म होगी और 31 मार्च को वोटिंग होनी है और 5 अप्रैल को काउंटिंग होनी है। सभी 14 जिले जो कोसी निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत हैं उसके जिलाधिकारी ARO हैं और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाना है जो विधानसभा और लोकसभा के दौरान लागू होता है। तो मैं आपके माध्यम से एक तो लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लें और 31 मार्च को निर्वाचन की तिथि को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। साथ ही साथ लोगों से ये भी अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन और ये सब के उसमें ना आए और निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें।